हरिद्वार में महाशिवरात्रि के नजदीक आते ही नगर में भोले की गूंज। महाशिवरात्रि के पर्व पर प्रेमनगर आश्रम में महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। छिंदवाड़ा में बिछुआ में सामूहिक विवाह के दौरान दिखा अनोखा नजारा। बैलगाड़ी से निकाली बारात, समरपुर ग्राम का दुल्हा पहुंचा बैलगाड़ी से बारात लेकर। उत्तराखंड रोडवेज का सफर हुआ महंगा। पास से 16% तक का बढ़ाया किराया, 60% से ज्यादा बसों का बढ़ा किराया। कानपुर देहात महोत्सव में पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने लोकगीत का बांधा समा। इको गार्डन में इन्वेस्टर समिट 2023 महोत्सव का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने किया था कथक। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, कहा देश महिलाओं दलितों को अपमानित करने वाली रामचरितमानस की पंक्तियों को बैन करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा पत्र। छिंदवाड़ा में कुएं में गिरा तेंदुए का बच्चा, वन विभाग के छूटे पसीने। सौसर वन परिक्षेत्र के ग्राम खैरी पंत में किसान के खेत में आने से कुएं में गिरा तेंदुआ दिखा, ग्रामीणों की मदद। नगर पालिका पौड़ी में कांग्रेस ने शहरवासी और जन कल्याण मंच के साथ निकाली रैली। रैली के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद और इस्तीफे को लेकर लगाए नारे। शिवपुरी आई मुस्कान ने पत्रकारों से बातचीत, अपनी यात्रा के अनुभव। कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से यात्रा कर रही थी मुस्कान रघुवंशी, महिला सशक्तिकरण को लेकर निकली थी यात्रा पर। लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण, G20 की तैयारियों को लेकर सीएम ने किया निरीक्षण। पिपरा घाट चौराहे पर ज्ञानेश्वर मंदिर पार्क के आसपास सीएम ने किया निरीक्षण। देहरादून में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को उठाया, गांधी पार्क में सैकड़ों युवा कर रहे थे प्रदर्शन। भर्ती परीक्षाओं को ना कराने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन। हिंडनबर्ग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल, अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 10% तक टूटा, एक दिन पहले 23% बढ़ा था, 4000 करोड़ का लोन चुकाएगा ग्रुप। ब्रिटेन में सुनक की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का असर, वीसा का संकट तो शरण मांगने वाले बड़े, भारतीय तीसरे नंबर पर। फ्रेंच राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर से मिले ज्वेलर्स की, जंग जीतने के लिए मांगे फाइटर जेट्स। मैक्रो बोले यूक्रेन में दाव पर यूरोप का भविष्य। तुर्की और सीरिया त्रासदी में 15,000 लोगों की मौत, सीरिया में 3,00,000 लोग बेघर। राष्ट्रपति बोले हम शुरुआत में राहत पहुंचाने में नाकाम रहे। भारत में आज से ट्विटर का ब्लू सब्सक्रिप्शन लॉन्च, मोबाइल पर 900 रुपए महीना चुकाना होगा, वेब यूजर्स के लिए 650 रुपए फीस। बुरहानपुर में अनिल पटेल नामक युवक ने बनाया कलेक्ट्रेट भवन, मित्तल का पेंडेंट कलेक्टर को किया गिफ्ट। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे मामले में अगली सुनवाई 2 मई को। सुनवाई के दौरान रेलवे ने 8 हफ्ते का मांगा समय। हाईकोर्ट ने रेलवे की 29 एकड़ जमीन से 4,365 घरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। बलरामपुर में पुलिस अधीक्षक ने धारा 420 के अंतर्गत दर्ज लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। लंबित प्रकरणों के विवेचकों को दिए सख्त निर्देश, समय सीमा के भीतर करें लंबित। गोटेगांव में शंकराचार्य स्वामी सिद्धानंद सरस्वती महाराज का आगमन, परम हंसी आश्रम पहुंचे स्वामी सिद्धानंद सरस्वती। 10 फरवरी को समाधि मंदिर निर्माण का होगा भूमि पूजन। जोशीमठ में 2 होटलों को तोड़ने के दौरान हुआ हादसा, होटल तोड़ते वक्त मजदूर नीचे गिरा, एनडीआरएफ ने मजदूर को पहुंचकर बचाया। पवई में हत्या के 7 आरोपियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड से किया गया दंडित, पवई न्यायालय ने सुनाया फैसला। सिमरिया थाने का मामला। नागौर जिले के डिडवाना में सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। दादू बासनी ने आईटी सेंटर में आयोजित किया, सरपंच उपमंडल निरीक्षक बीपीएम भी रहे मौजूद। लखनऊ में बाइक सवार युवा ने किया स्टंट, युवाओं पर चढ़ा रील बनाने का शौक, असले का प्रदर्शन करते युवक का बाइक के साथ वीडियो वायरल। सीएम शिवराज ने किया ट्वीट, कहा मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में विकास यात्रा चल रही है, पत्र व्यापारियों को विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति पत्र देने का काम हो रहा है। आर्थिक संकट के बावजूद पाक पीएम शहबाज शरीफ ने किया अलापा कश्मीर, राग कहा कश्मीर मुद्दे को 20 साल से लटका कर